जैसा कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतने ही ज्यादा मच्छर भी पनपने लगते हैं, उतना ही ज्यादा मच्छर का आतंक भी फैल जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे लिक्विड, बहुत सारे क्वाइल मिलते हैं जो काफी नुकसानदेह होते हैं। ये मच्छर को तो खत्म कर देते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको मार्केट से कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके किचन में मिल जाएंगी और इन चीजों के इस्तेमाल से आप अपने घर से मच्छर को कोसों दूर भगा सकते हैं और साथ ही साथ इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। रोटी बनाने के बाद वैसे तो हम सभी तवे को धुलने के लिए रख देते हैं, लेकिन आज हम तवे को धुलेंगे नहीं, आज हम रोटी बनाने के बाद गर्म तवे पर डालेंगे नमक। मैं देखिए रोटी बना चुकी हूँ और तवा अभी भी काफी गर्म है, तो इस पे हम डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के लगभग नमक। तो आप कोशिश कीजिए कि शाम के समय जब आप रोटी बनाइए, या रोटी अगर देर में बनाती हैं तो 5:30 या 6 बजे के करीब, मतलब कि घर में जब मच्छर ज्यादा आने लगते हैं तब आप इसको कीजिए। और एक तेज पत्ता इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल देंगे। अगर छोटे साइज का तेज पत्ता है तब आप 2 पीस ले लीजिए, बड़े साइज का था इसलिए मैं 1 ली हूँ। 3 से 4 लौंग डाल देंगे और इसी के साथ में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। अब इसको हमें हल्का सा सेक लेना है, फ्लेम अभी भी ऑन है, लो पर है, तो जब इसमें से चट चट की आवाज होने लगे तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसको हमें जला देना है, इस तरह से सारी चीजों को इकट्ठा करके जला देना है। अब जहां भी आपके घर में लगे कि मच्छर ज्यादा आते हैं वहां पर इसके धुएं को इस तरह से फैला दीजिए, मतलब कि आप तवा लेकर जाइए, धुआं अपने आप से फैल जाएगा और आपके घर में से जितने भी मक्खी मच्छर हैं सब निकल जाएंगे। ये चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि बस आप शाम को रोज एक बार जला लेंगे तो आपके घर में पूरे रात भर मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। जब तक इसके धुएं का असर रहेगा, महक रहेगा, तब तक आपके घर में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मच्छरों का आतंक एकदम, और मच्छर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं, बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। तो मच्छर को भगाने के लिए आप इसको जरूर कीजिए। इसके लिए हमें मार्केट से भी कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके किचन में आपको मिल ही जाएंगी, तो बस किचन की चीजों से ही आप मच्छर को अपने घर से दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मच्छर भगाने का फार्मूला जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।